तो दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार जियो फोन नेक्स्ट की प्राइसिंग क्या होने वाली, उसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, तो अब वो बाहर आ चुकी है। दोस्तों हमें इंतजार था कि जियो फोन नेक्स्ट जो है बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, बट जियो फोन नेक्स्ट जो है एक फुसकी बम निकला। जी हाँ दोस्तों, जियो फोन नेक्स्ट से जो उम्मीदें थी बिल्कुल ऐसे पानी फेर दिया उम्मीद पर, ऐसा कुछ हरकत कर डाला है। एंड हाँ दोस्तों, मैं आपको जियो फोन नेक्स्ट लेने के लिए मना कर रहा हूँ, क्यों इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में इंटरव्यू जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने 6-7-8 हज़ार रुपये वेस्ट कर देंगे पानी में अगर आप जियो फोन नेक्स्ट को ऑप्ट करते हैं। तो इन टोटल आज के इस वीडियो में आपको जियो फोन नेक्स्ट के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, टेक चैनल है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक बार जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस फोन में आपको 5.45 इंच का एक HD प्लस वाला LCD पैनल देखने को मिलता है। अब कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है या फिर TFT पैनल देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली आप मानकर चलिए कि TFT पैनल ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड ये स्मार्टफोन जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी प्राइस रेंज में और कोई दूसरी कंपनियां प्रोवाइड नहीं करती है। सामने की तरफ जो है आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वही जो मोटी मोटी बेजल दी हुई है उसी में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ला कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियस है वहाँ पे बैक की तरफ को LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो बैटरी है वो आपको देखने को मिलता है 3500 mAh की। एंड ये जो है माइक्रो USB केबल के साथ में आता है, जहाँ पे आपको केवल 7.5 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। एटलीस्ट 10 वाट का चार्जर प्रोवाइड करना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7.5 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों हम चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 215 चिपसेट, जो कि 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में फैब्रिकेटेड है, जो कि बिल्कुल भी बैटरी एफिशिएंट चिपसेट नहीं है। अब दोस्तों ये जो 3500 mAh की बैटरी दी गई है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि बैटरी इसकी बहुत अच्छा चलेगी। घी स्थिर कर आप कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो हाँ एक दिन चल जाएगी, अगर आप कॉल्स वगैरह लेंगे, थोड़े बहुत व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करेंगे, बट अगर आप थोड़े बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मीडिया कंज्यूम कर लेते हैं, तो एक दिन भी इसकी बैटरी नहीं चलने वाली है। और आप थोड़े बहुत यूज़ करते हैं, डे टू डे काम करते हैं, तो हाँ एक दिन चल जाएगी, बट अगर थोड़ा भी आप ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं तो एक दिन भी इसकी बैटरी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ये चिपसेट बिल्कुल भी बैटरी एफिशिएंट नहीं है। इसमें आपको LPDDR3 वाला रैम टाइप दिया गया है, एटलीस्ट LPDDR4 प्रोवाइड करना चाहिए था, बट बहुत पुराना मतलब LPDDR3 रैम टाइप दिया है यार, LPDDR4 यहाँ पे होनी चाहिए थी। दोस्तों यहाँ पे वो कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। हाँ इस फोन में आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। इस फोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी एक ग्लिच है, डुअल सिम दिया गया बट वहाँ पे भी गेम खेला के लाया गया, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इस फोन में आप SD कार्ड लगाकर एक्सपेंड कर सकते हैं, 512 GB तक SD कार्ड को ये स्मार्टफोन जो है सपोर्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या गेम खेला गया वो मैं बताता हूँ। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम तो देखने को मिल जाते हैं, बट जो फर्स्ट सिम का स्लॉट है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जियो सिम ही लगा सकते हैं। ये यहाँ पे ग्लिच है, और इससे ही बड़ा ग्लिच ये है कि जो दूसरा सिम है उसमें आप किसी और कंपनी का सिम तो लगा सकते हैं दूसरे स्लॉट में, बट वहाँ पे जो है मोबाइल डेटा वो सिर्फ और सिर्फ जियो सिम से ही आप चला सकते हैं। सॉरी जियो स्मार्टफोन नहीं, जियो सिम से ही चला सकते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या जरूरत थी ये करने की। मतलब डुअल सिम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो अगर आप सेकेंड स्लॉट में लगाते हैं सिम, वहाँ पे किसी और कंपनी का स्लॉट आप लगा सकते हैं, किसी और कंपनी का सिम लगा सकते हैं उस स्लॉट में, बट उसका डेटा आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको मोबाइल डेटा यूज करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जियो का सिम 1 में जो लगा रहेगा उसी का मोबाइल डेटा यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही मतलब जस्टिफाइड नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर डुअल सिम का स्लॉट दे रहे हैं, इसलिए मानता हूँ ये यहाँ तक जस्टिफाइड है कि आपने डुअल सिम का स्लॉट दिया, एक में आप जियो ही लगाने के लिए ये अवेलेबल करा रहे हैं, बट हाँ दूसरे में अगर आप दूसरे कंपनी का सिम लगाने के लिए अवेलेबल करा रहे हैं तो आपको दूसरे सिम से भी नेट चलाने के लिए मौका देना चाहिए था लोगों को, बट ऐसा नहीं करा गया है। ये स्मार्टफोन जो है प्रगति OS जो कि एंड्रॉयड 11 गो एडिशन के साथ मिक्सचर करके आता है, और ये जो है जियो फोन के लिए स्पेशली कस्टमाइज किया गया है। तो ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन जियो फोन नेक्स्ट की। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे EMI वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस स्मार्टफोन को कैश परचेज करना चाहते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल मतलब EMI वगैरह के चक्कर में नहीं, तो इसकी कॉस्ट है 2 GB RAM प्लस 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में 6500 रुपये, 6500 रुपीज, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है, 2000 रुपये से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। मतलब मैं 4000 से ज़्यादा इस फोन की प्राइसिंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट 6500 रुपीज़ में, और बोल रहे हैं कि हमने इंडिया के लिए फ़ोन बनाया है। भैया 6500 रुपीज़ जो लगा रहा है वो 1000-1500 रुपये और एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 7000, 7500, 8000 तक में तो बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फिर हम ये वाहियात सा फ़ोन
क्यों ले 6500 रुपए में? देखिए फोन बुरा नहीं है, फोन बढ़िया है, लेकिन जो प्राइसिंग रखी गई है 6500 रुपए वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है इसके लिए। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ आगे का, इसके जो EMI वगैरह है वो किस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले EMI की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ढेरों EMI देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआती बात करता हूँ जो कि सबसे लोएस्ट EMI आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जियो फोन का कॉस्ट आता है वो निकल कर आता है 2000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक 24 मंथ वाला EMI ऑप्शन देखने को मिलता है, विथ रिचार्ज के साथ में आता है, जहाँ पे आपको 24 महीने तक 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि निकल कर आता है 7200 रुपये। अब ध्यान रखिएगा इसका प्राइस निकल कर आता है 24 महीने तक अगर आप 300 रुपये देते हैं तो वो निकल कर आता है 7200 रुपीज़ प्लस 2000 रुपीज़ जियो फोन का निकल कर आता है 9200 रुपीज़। एंड हाँ दोस्तों, जो वहाँ पे 300 रुपये आपको देना पड़ रहा है 24 मंथ के लिए, वहाँ पे आपको क्या पड़ता है देखने को मिलता है 5GB डेटा एक महीना के लिए और सिर्फ 100 मिनट का आपको कॉल देखने को मिलता है एक महीना में। मतलब आप 100 मिनट ही बात कर सकते हैं और 5GB डेटा ही देखने को मिलेंगे अगर आप 300 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करते हैं। देन आपको 300 रुपये जो है हर महीने आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 7200 रुपये इसके और 2000 रुपये जियो फोन के निकल कर बनते हैं 9200 रुपये। अब चलिए मैं यहाँ पे रिचार्ज का जो प्राइस है वो माइनस कर देता हूँ। रिचार्ज का प्राइस मांग रहे, चलिए 5GB डेटा दे रहा है एक महीने का और 100 मिनट जो है पर मंथ आपको मिनट देखने को मिलता है बात करने के लिए, तो उसकी मैं मानकर चलिए 100 रुपीज़ में मानकर चलता हूँ। 100 रुपीज़ भी ज़्यादा, 100 रुपीज़ भी जस्टिफाई नहीं, 100 रुपीज़ भी ये डिजर्व नहीं करता है, बट अगर मानकर चलिए कि मैं 100 रुपीज़ प्राइस सोच कर चलता हूँ कि 100 रुपीज़ वो प्राइस ले रही है अपने बात कराने के लिए डेटा के लिए, तो वहाँ पे हम 24 महीना है तो 100 रुपीज़ 100 × 24 यानी 2400 रुपये माइनस कर देते हैं, तो जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो निकल कर आती है 6800 रुपीज़ जियो फोन नेक्स्ट की। ये तो होगी पहली EMI। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब भाई ये स्मार्टफोन ले रहे हैं, 4G फोन है तो डेटा यूज़ करेंगे ही करेंगे और 5GB ना बहुत कम पड़ जाएंगे एक महीना के लिए, और ये 100 मिनट से भी कुछ नहीं होने वाला एक महीना में। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो वो जाएंगे पता है कहाँ पे, 1.5GB पर डे वाले प्लान पे, और सभी लोग यही ऑप्ट करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जहाँ तक लोगों को जानता हूँ या फिर जितनों को मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो सभी 1.5GB पर डे यूज कर देते हैं, तो अब वो जाएंगे 1.5GB पर डे डेटा की तरफ। अब चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जियो फोन का प्राइसिंग अगेन यहाँ पे 2000 रुपये निकल कर आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप 1.5GB डेटा लेना चाहते हैं पर डे वाला और आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल चाहिए एक महीना के लिए, तो वहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे 450 रुपये 24 महीना के लिए। हर महीना आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि मिलकर बनता है 10800 रुपये, और 10800 रुपये हम 2000 को ऐड करते हैं जो जियो फोन का प्राइसिंग है, तो वो निकल कर आता है 12800 रुपये। अब दोस्तों देखिए, ये जो आपको प्लान मिलेगा इसमें आपको 1.5GB डेटा पर डे मिल रहा है। तो मैंने गया जियो के वेबसाइट पे, जियो के एप्लीकेशन में मैंने खोला, वहाँ पे मैंने चेक करा कि 1.5GB पर डे वाला जो डेटा प्लान है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो उसकी कॉस्ट निकल कर आती है 200 रुपये पर मंथ के लिए। तो अगर मानकर चलिए कि हमसे वो 24 मंथ ले रहा है तो 200 रुपये अगर पर मंथ हम पे करते हैं ऐसे भी, तो वो निकल कर आता है 4800 रुपीज़। अब इसकी जो प्राइस निकल कर आती है वो थी 12800 रुपये, उसमें से अगर हम 4800 रुपीज़ माइनस करते हैं तो एक्चुअल प्राइस निकल कर आती है 8000 रुपये। मतलब 8000 रुपये हमें ये जियो फोन नेक्स्ट के लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अरे भाई 8000 प्राइस हमें बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं मार्केट में, और ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। 8000 क्या 6500 में भी जस्टिफाइड नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ मुझे बहुत सारी गालियाँ मिल सकती हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे हेट मिल सकते हैं, डिसलाइक बहुत ज़्यादा आएंगे इस वीडियो पे, तो आप दे दीजिए कोई इशू नहीं है, बट जो रियलिटी है ना मैं आपको वही बताऊंगा। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा कि हाँ ये स्मार्टफोन बहुत बेस्ट है आप ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल मैं तो फ्रेंकली बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ स्मार्टफोन को लेने के लिए, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है 6500 रुपये में स्मार्टफोन, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है 8000 रुपये में स्मार्टफोन। हमें बहुत सारे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप Xiaomi का स्मार्टफोन देख सकते हैं, Redmi का स्मार्टफोन देख सकते हैं, वही Xiaomi Redmi एक ही कंपनी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, Realme का स्मार्टफोन देख सकते हैं ये सब प्राइस रेंज में, आप Micromax का स्मार्टफोन देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है, जैसे Micromax In1B की तरफ भी आप देख सकते हैं, Micromax In2B की तरफ देख सकते हैं, वो सारे स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, तो आप वो सब की तरफ एक बार देख लें। बट मैं जियो फोन नेक्स्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको लेने के लिए। खैर आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। आपकी क्या राय है जियो फोन नेक्स्ट रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा, और आप डिसलाइक करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में वही बताइएगा कि आप मेरी किस बात से एग्री नहीं करते हैं। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जियो फोन नेक्स्ट रिगार्डिंग जो आपको देना चाहता था। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे ऐसे कोने वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।